अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं गोभी के पराठे बना रही हूँ, आलू और गोभी के, जो सालन रात को पकाया था तो वो बचा हुआ था, उसी के पराठे बना रही हूँ। क्योंकि अलीज़ा स्कूल से आ गई है और उस वक्त स्कूल गई नहीं थी, तो मैंने पूछा है कि बेटा मैं क्या बना के दूँ आपको रोटी के साथ। कह रही हूँ मामा हमें गोभी वाले पराठे बना दें, तो मुझसे बने तो कभी नहीं अच्छे। अब देखती हूँ, एक तो मैंने जैसे तैसे डाल ली है, दूसरा बना रही हूँ। तो सुबह उस आज ऐसा हुआ कि सुबह उस वह तैयार हुई, उस वह लीजा दोनों स्कूल के लिए ना, तो इनके स्कूल से फ़ोन आ गया कि उस वह की क्लास में कुछ बच्चों का टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो नहीं जाना स्कूल, छुट्टी है। तो वो आज सुबह की मामा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैंने कहा अच्छा बाहर निकलती हूँ लेके के आपको, अलीज़ा तब तक आ जाए। अलीज़ा आई है तो वो साथ ही बादल भी बनना शुरू हो गया। पहले सुबह इतनी अच्छी धूप लगी थी तो अब साथ ही बादल बन गया, और -2 टेम्परेचर तो वैसे भी आज रात का ही था, इतनी ठंड है। तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले कह के गई है मामा बाहर चलेंगे ना साइकिल के साथ, तो मैंने कहा मेरा तो हौसला नहीं बड़ा बाहर जाने को। ये हाल, हाँ बेटा खाना बन गया, ये किया है और सुबह इतना नीट था रूम जी मेरा बेटा, तो माशाल्लाह से। लीजा ये क्या किया बेटा, प्ले कर रहे थे। हाँ अच्छा जी, शॉप भी बनाई हुई है, काउफ मार्केट, ठीक है ओके। किसकी बर्थडे है, इसके नेम क्या है? अच्छा लीजा ने अपने टॉयज के नेम भी रखे हैं, ये मेरा है। क्या नेम है इसका? बबल। ये यूनिवर्सली है, यूनिवर्सली है। और क्या है? चीची बनाना। और क्या? बबी ओके। और यासिन क्या कर रहा है? जो अब दो दिन माशाल्लाह से आज जुम्मे, ठीक है, और दो दिन अब हफ्तावार सफाई करो या ना करो एक बराबर ही है। इधर से आप चीजें समेट के जाओगे तो आके देखोगे कि वैसे का वैसे ही कमरा फैला होगा। ऐसा ही है ना बेटा जी, ऐसा ही है ना, सफाई मामा करे या ना करे एक बराबर। हाँ शाओ माल, शाओ माल क्या, शाओ माल यासीन ने क्या पकड़ा हुआ है? यासीन गिव मी, ओ नो। तो चलो बेटा पहले खाना खा लो आप लोग। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ हाथ वाली, हाथ की बनी हुई सेवियां, जिसको हम कहते हैं पोटियालियां सेवियां। तो ये मैं क्यों बना रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। काफी दिन हो गए थे तो मुझे इनके बाबा ने बोला कि ये सेवियां ही बना देना किसी दिन, तो आज मैंने सोचा कि ना आज मैं बना रही हूँ। आज क्योंकि हम बाहर भी नहीं कहीं निकले तो उनके लिए भी ये एक सरप्राइज ही होगा, सेवियां वो देख के खुश हो जाएंगे कि वाह पोटियालियां सेवियां बनिया है। वो बड़ा खुश हो के मीठा खाते हैं, तो जिस दिन कोई मीठी चीज़ बने तो उनकी तो समझो ईद हो गई है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ये देसी घी है ये किया, अब इसमें मैं इलायची करूँगी शामिल। ये भी किसी किसी को बनानी आती है, बहुत से लोगों को नहीं भी बनानी आती, तो इनका बनाने का तरीका भी बड़ा आसान सा है। जिस तरह चावल बनाते हैं ना, चावलों में मतलब 2 ग्लास हैं तो चावल हैं तो 4 ग्लास पानी पड़ता है, इसी तरह सेवियों का भी यही है। तो चीनी इनमें आधी पड़ती है, जैसे मेरे पास 2 ग्लास है तो मैं 1 ग्लास इसमें चीनी डालूंगी, चीनी भी आपको बताऊंगी, मेरे पास पिसी हुई चीनी है। तो ये मैं साथ में अब इसको इलायची और देसी घी में करती हूँ, थोड़ा घी गर्म हो जाए फिर इसमें सेवियां डाल के भूनूंगी। तो इसी के साथ मैं आपको बात भी बताती हूँ कल वाली, कि यहाँ पे यासीन आ गया था, उसको 2 मिनट में नजर ना हो तो माँ 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 माँ, तो वही बात मैंने कहा चलो मैं आज बना देती हूँ तो उनकी भी ईद हो जाएगी, उनके लिए भी एक सरप्राइज ही होगा, उनके लिए भी एक सरप्राइज होगा। तो ये मेरे बच्चों ने पीछे शोर डाला हुआ है, बाहर वीकेंड है तो बाहर वो अब जा भी नहीं सकते,
उन्होंने काम पे जाना है। पहले होता था बच्चे किसी फ्रेंड के घर चले गए या किसी पार्क ले जाओ बच्चों को, बेशक सर्दी भी है तो कुछ ही शहर ले जाओ आप। तो उसे कोरोना आया तो बच्चे भी घर में कैद हो गए हैं, सर्दी है तो कहाँ पे जाना है, तो ये उन्होंने फिर घर भी शोर करना है ना, इस वजह से। इसमें यहाँ बंदी भी बड़ी मजे की है, यहाँ से जो लोग खाते हैं उनको पता भी है। तो जी बेटा हाँ पिला दिया उसने दोबारा, यही होना है मेरी हमें। हाँ बहुत फनी है। तो आपके साथ मैं बात शेयर करती हूँ, कल ऐसा हुआ, कल का सारा दिन के मैं गई शहर जाना था, मैंने कहा अच्छा चलो उस वक्त ना मैंने टिफिन लाना था लंच बॉक्स, तो गई मैं वहाँ यहाँ से लेने के लिए। वो पहले मैंने इनके पापा को फोन किया, मैंने कहा कि अगर आप फारग होना तो मुझे यहाँ से इनको शहर में ना आपने छोड़ देना। ये आए घर में कहते हैं चलो, तो उस वक्त भी साथ में तैयार हो गया, माँ के घर में वर्क कर लेंगे, मामा हमने भी आपके साथ जाना। तो जब मैं वहाँ पे गई तो जिधर इन्होंने टैक्सी स्टैंड पे अपनी टैक्सी खड़ी की, तो हम गए आगे, गए तो सामने शॉप पे ना नजर आया बाहर लिखा होता है कि 50% या 30% ना सेल, तो आजकल तो ऐसे भी हर जगह पे सेल लगी हुई है। अच्छा मैं लंच बॉक्स भूल गई, तो मैं तो पहले शॉप कंगालने शुरू कर दी, पहले पीसी में फिर हाँ में, तो वही बात है सेल काफी अच्छे की लगी हुई थी, तो मैं ही शायद लेट गई। जो साइज मुझे पसंद, जो चीज मुझे पसंद आए उसमें मेरे बच्चों का साइज भी ना मिले, तो बड़ा वो मैं सेल कहूँगी सेल सेल के शौक में मैंने इतना टाइम भी लेट कर दिया, और मैं कुछ लेके भी ना इतना हास आई, एक दो शर्ट बस उठाई जिसमें सेल थी ये मैं, तो ना उसका लंच बॉक्स ला सकी तो ना कुछ और। तो वो जब सुबह स्कूल जाने लगी कहती मामा आपने बोला था मेरा लंच बॉक्स आएगा तो किधर है नया, तो ये तो कल मेरे साथ हुआ है। तो वो तो आज बाय चांस वैसे फिर स्कूल जा ही ना सकी ना, किसके स्कूल से फोन आ गया, तो मैंने बोला मैं कल जाऊंगी। नहीं बेटा नहीं, वो दोबारा रिपोर्ट करवाएंगे ना, एक दफा आपकी टेस्ट होगा। नहीं नहीं ये तो मैंने चूल्हे से पीछे कर लिया है ना, तो मैं अभी इसको इधर ही थोड़ा सा भून रही हूँ, देश की गर्म है, ताकि फिर इसमें ताते में कितना पानी शामिल करती हूँ। जी बेटा बनाई की है इनकी ना, जली भी नहीं ज़्यादा, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं हुई, और बहुत अच्छी ये भून गई है, ये शायद आपको नज़र आ रही हो, ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी शक्ल लग रही है इनके। मैंने इसमें पानी डाल दिया, दो ग्लास मेरे पास नहीं थी, मैंने इसमें चार ग्लास पानी शामिल किया है और एक ग्लास चीनी पीसी हुई थी, तो इसको मैं यहाँ पे ढक्कन दे दूँगी इसका, और साथ में मैं दोबारा की रोटी बनाने लगी हूँ, क्योंकि इसके बाबा भी इनके आ गए हैं, इनके पास टाइम कम है, उन्होंने जाना है डॉक्टर पास, यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे दोबारा की रोटी बना दूँ फटाफट इनको, तो तब तक सेवइयां मेरी बन जाती हैं और साथ में उनकी रोटी भी बन जाएगी। ये जी मेरी सेवइयां पक के तैयार हो चुकी हैं, तो मैं अब इनके पापा को खाना देने लगी थी, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूँ इनकी फाइनल लुक। तो ये आज मैंने इनके पापा को सरप्राइज ही देने के लिए ये बनाई है, तो उनका रिव्यू जो होगा वो मैं कल आपको बताऊँगी कि उन्होंने क्या मुझे बताया, कैसी लगी उनको। तो साथ में ही आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।